जहां पर वो जस्टिस के लिए किस तरीके से गुहार करती है. मनीष मुंद्र इज अ इंडियन फिल्म डायरेक्टर हु हैज प्रोड्यूस्ड सो मेनी फिल्म्स लाइक न्यूमरस फिल्म्स लाइक मसान एंड आंखों देखी एंड न्यूटन. और निर्देशन की दुनिया में, फिल्म निर्देशन की दुनिया में ये सिया जो मूवी है वो उनका पहला कदम रही है. एंड इसी के साथ आई एम इन्फ्यूजली इलेटेड टू टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड अनाउंस द नेम ऑल द स्टार्स हु इज कमिंग ऑन द स्टेज. एंड आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द स्टार्स. बस जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. कम ऑन. All right, there are so many personalities are coming up with a creative producer. May I request to please come on the stage and producer Raghav. So it's a very hard hitting movie based on a true story. सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए अपना समय निकाल करके. थैंक यू फॉर दैट. देन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस फिल्म सिया जो मैंने डायरेक्ट करी है और हमने बनाई है. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस राघव हु इज द एग्जीक्यूटिव एंड द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. देन आवर क्रिएटिव प्रोड्यूसर रश्मि सोमवंशी एंड ऑफकोर्स द मेन लीड पूजा. We are all here to present the film. Film कई दो तीन साल पहले कुछ हेडलाइंस आई थी जिसने हम सबको इनफैक्ट पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था. और इस वजह से हम उसके अंदर घुसे और पता मतलब हमने अपना रिसर्च किया और पता किया. जो एक चीज जो सामने आई कि वो ये कि जब तक सुर्खियां रहती है तब तक तो लोगों को रेप और रेप विक्टिम और उनके फैमिलीज के बारे में खबर रहती है. पर जब एक बार सुर्खियां हटती हैं और दूसरी न्यूज उसका जगह ले लेती है उसके बाद उनका कुछ पता नहीं होता, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है. और तब हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसमें हम रेप सर्वाइवर के साथ रहें और उनका जो क्वेस्ट है, उनकी जो जर्नी है टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस विच इज हैपेंड, उस पहलू को देखें, उसको उजागर करें और दर्शकों के सामने पेश करें. रेप अपने आप में एक बहुत दर्दनाक घटना होती है और पेनफुल चीज होती है. उसके बाद की जो जर्नी है वो अत्यंत उससे भी ज्यादा दुखदायी होती है. और किस तरीके से एक परिवार उस मुसीबतों को झेलता है, उसके थ्रू पास करता है, यही फिल्म के बारे में मैं कहूंगा, यही फिल्म में दर्शाया गया है. जहां तक पिक्चराइजेशन का
की बात हम करें तो हमने इसको बड़ा विजुअली पिक्चराइज किया है और बहुत ही साफ सुथरा उस हिसाब से रखा है इन टर्म्स ऑफ डायलॉग, इन टर्म्स ऑफ पिक्चराइजेशन एंड विजुअली हमने इस स्टोरी को बोलने की कोशिश करी है। आशा करता हूं कि ये फिल्म आप लोगों को पसंद आएगी और लोगों को पसंद आएगी। छोटी फिल्म है लेकिन सच्ची फिल्म है और ब्रेव हार्ट फिल्म है। पूजा इसमें लीड रोल पे है, ये उनकी पहली फिल्म है और बहुत ही शानदार अभिनय किया उन्होंने और आई एम प्राउड दैट शी वर्क विद अस एंड वी आर वेरी प्राउड एट दिशन फिल्म्स आल्सो टू हैव पूजा पांडे ऑन बोर्ड। इसके अलावा विनीत सिंह हैं जो कि बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं, हमारे अच्छे दोस्त, उन्होंने बहुत मार्मिक अभिनय किया है और वी आर प्राउड ऑफ विनीत ऑल्सो। उनकी तबियत खराब नहीं तो वो भी आते। बाकी तो आप लोग सवाल करें तो हम जवाब देंगे। फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ पर हुई है? फिल्म का शूट हमने उत्तर प्रदेश में किया है, प्रतापगढ़। हाय, पहले बात तो वेलकम टू ऑल। इस रोल में मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई क्योंकि ये बहुत आसान रोल तो नहीं आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल रोल है, बहुत ज्यादा टफ है, इतना ज्यादा मेंटली और फिजिकली इतना अनड्रेनिंग कैरेक्टर है कि आप जैसे मैं रोज जब मेरा शॉट कम्प्लीट हो जाता था और मैं जब मैं अपने वापस शॉट करके मैं अपने होटल जाती थी तो मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहती थी, मैं किसी से बात करने तो मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहती थी और मैं शायद जब फिल्म रैप हो गई थी उसके बाद भी मैं शायद दो या ढाई महीने तक इस कैरेक्टर से निकली नहीं थी। तो जी ये जो फिल्म है ऑफ कोर्स कई मतलब हमने चार केसेस लिए थे केस स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, उन चार केसेस का मिश्रण है। तो जब हमने उस पर रिसर्च किया तो हमें पता चला कि एक पैटर्न है हर केस में। वो पैटर्न ये है कि कोई एक बाहुबली होता है जो ये कार्य करता है, जो ये घटना या उसको संरक्षण देता है। उसके अलावा जो उनके एरिया के पुलिस स्टेशन होते हैं या जुडिशरी होती है या मेडिकल सिस्टम होता है, उनके बीच में एक नेक्सस होता है और वो चाहते हैं हर तरीके से ये मामला दबा रहे, और जब ये बाहर आता है तो फिर वो अपनी ताकत लगा करके उसके परिवार को उसको जितना मर्जी उतना धमकाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, कभी कभी जो विक्टिम है उसको जान से हाथ भी धोना पड़ता है या फैमिली मेंबर्स को हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। तो हमने उन चार केसेस को लेकर के फिर हमने एक अपना एक नया पैमाना जोड़ा जिसको हम सीए के रूप में पेश कर रहे हैं। तो एज सच इज नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑफ एग्जैक्ट ट्रू स्टोरी बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द स्टोरीज व्हाट वी हैव रिसर्च्ड एंड देन गॉट दैट पैटर्न टू कन्वर्ट इट। क्या मैसेज देने की कोशिश की आपने? बताया जिस तरह की स्टोरी है, अपराध होते हैं, लड़ती है, कभी लड़ती है, आपने इसे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, फिल्म में जो हमने काम किया है वो कोशिश ये रखी है कि हम दर्शकों को उस जर्नी में साथ ले जाएं जहां पे जो पीड़िता है उसका दर्द को हम समझ पाए और उस पीड़िता के जो अंदर के हालात हैं उसको हम समझ पाए, उसको महसूस कर पाए, और जब वो आगे बढ़ना चाहती है जिंदगी में उस चीज को भूल के, फिर भी उसके ऊपर इतनी ज्यादा प्रताड़ना होती है कि उसको उठ के इंसाफ के लिए लड़ना होता, तो वो जो हिम्मत वो दिखाती है, जुटाती है, और उस प्रोसेस में क्या क्या नुकसान और क्या क्या तकलीफें और क्या क्या मुश्किलें होती है, इस जर्नी को दर्शाया गया। तो मैसेज तो बहुत सिंपल है कि आप इस दर्द से रूबरू हों, इस दर्द को समझें, और प्लस जो सिस्टम में एक प्रॉब्लम चल रही है उसको हम लोग क्या सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें अवेयरनेस के हिसाब से कि ये प्रॉब्लम है, और फिर अगर हम कोशिश कर सकें इंडिविजुअली कि हम कोई रोल प्ले करें कि कहीं हमारे अगल बगल में ऐसा कुछ घटित हो रहा हो तो उसके प्रति सजग रहें
और अपना कार्य करके कम से कम अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. दिस इज द रीजन वाई वी मेक द फिल्म, टू टेक द ऑडियंस थ्रू दिस पेन, मेक दम अवेयर एंड जस्ट कीप इट ओपन. वी डिडंट वांट टू प्रीच एनीथिंग, हमको कोई बहुत ज्यादा ज्ञान या सोल्यूशन नहीं देना चाहते थे इस फिल्म के द्वारा. बट हम एक आर्क, जो पेन का आर्क है, उसको लेकर के हम चलना चाहते थे ताकि ऑडियंस को ये समझ में आए, जो इसके व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए कि हम इस जर्नी पे जा रहे हैं. हमें नाम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप सोशली काफी हेल्प भी करते हैं साहब, तो इस फिल्म को के माध्यम से जैसा आप कह रहे हैं कि इस दर्द को हम लेकर आ सकते, इस तरह से कोई सीरीज आगे भी और आपको कोई प्रोजेक्ट है कि पहली बार इस तरह के मुद्दे को उठाया है? नहीं नहीं, हम आगे भी करते रहेंगे, हमें पीछे भी किया आगे भी करते रहेंगे. इसमें कोई जैसे अभी जो दुमका में केस हुआ जिसमें अंकिता को जला दिया गया था, तो वो बड़ा हृदय विदारक केस है जिसपे हम विचलित हुए और हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं. कोई पुलिस बनाएंगे, आप अच्छी कहानी लाए हम बना देंगे. क्या सर अच्छी कहानी मिलेगी तो हम बना देंगे. आपने जो डायरेक्शन आपका किस तरह का अनुभव रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिला. अभी तक तो हमने 12 फिल्में बनाई एज ए प्रोड्यूसर. आपने किया तो उनका जवाब जब मैं डायरेक्शन कर रहा था तो मुझे बहुत क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिला. अभी तक हमने करीब 12-13 फिल्में बनाई एज ए प्रोड्यूसर, जिसमें आप कहानी सेलेक्ट करते हो, चूज करते हो डायरेक्टर को, और वो डायरेक्टर को लिबर्टी देते हो अपने हिसाब से फिल्म बनाने का. बट उसके बाद भी आपके अंदर एक क्रिएटिव आकांक्षा रहती है, तो वो चीज एज ए डायरेक्टर मेरी पूरी हुई. दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन. ये जो नाम रखा आपने सिया, हमें नाम ये तो आप नहीं बोल सकते पैसे बच्चे की बचा है. डायरेक्टर भी तो फीस लेता है, कोई फ्री में थोड़ी करता है, कोई फ्री में नहीं करता. ये जो नाम लिखा है आपने सिया, हमें न्याय चाहिए, ये इसका मकसद क्या है और किस हिसाब से आपने इसका नाम? हमें न्याय चाहिए सिया दो अलग अलग चीजें. हमें न्याय चाहिए इस जो कैरेक्टर हमारी फिल्म का सिया, उसकी गुहार है. हेलो, हनुमान सिंह चार्ण A1 TV न्यूज से हूँ. मेरा सवाल पूजा से है. जिस तरह की आपके आप अलग बैठे हैं क्या? सब साथ में है ना, तो जवाब दे रहे हैं ना. एक मिनट रुक जाइए ना भैया, उसमें क्या दिक्कत है? उनका दे रहे हैं, रुक जाइए ना. ठीक है, आप जवाब दे दीजिए उसके बाद. हाँ, बस वही कर रहे हैं. तो इसलिए वो हमें न्याय चाहिए का पंचलाइन है, और सिया जो है वो मेन कैरेक्टर का नाम है, इसलिए फिल्म का नाम भी सिया. सिया ही क्यों चुना? नहीं, हम राम भी चुन सकते थे अगर कोई लड़का हो. सिया चूंकि लड़की है, इसलिए जिस तरह की आपकी फिल्म है सिया, आप इस रोल को प्ले किया, उसके बाद उनसे भी मिले, जब आपका भी इमोशनल रहे, तो कितना एकदम आप उतर गए थे इस फिल्म का? जब आपने शूटिंग भी हुई इसके बाद काफी कॉन्सेप्ट आपके लिए कितना चुनौती भरा था, और जैसा कि आपने कहा कि मैं इसको करने के बाद काफी कुछ अपने आप को अंदर से महसूस किया, तो किस तरह की का आपके लिए फीलिंग थी इसमें? इस चीज का जवाब तो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि मेरे लिए बहुत ज्यादा ड्रेनिंग था और बहुत मेंटली डिस्टर्बिंग था, जिस कारण से मैं फिल्म के बाद भी काफी समय तक नहीं निकल पाई थी, और अभी तक शायद मुझे लगता है कि मैं नहीं निकल पाई हूँ फिल्म से. इसके अलावा भी कितने सॉन्ग्स इस मूवी में ये बनाए, और इसको ही आपने जो टाइटल लिया है माटी के, इसके बारे में थोड़ा सा? जब हम ये फिल्म ड्राइंग बोर्ड पे थे, जब हम इस फिल्म के बारे में सोच रहे थे और इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, तो हमें लगा जब स्टोरीज पे हम रिसर्च कर रहे थे, तो हमें लगा कि कबीर के जो दोहे हैं वो अगर हम इसके साथ में सुने समझे तो काफी कुछ आज भी समसामायिक लगता है जो कबीर दास जी ने लिखा था. तो हमारे जहन में ये कहीं ना कहीं था कि जब भी हम फिल्म बनाएंगे तो इस दोहों का इस्तेमाल करेंगे, खास करके ये चारों दोहे जो इसमें, खास करके जो माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदू, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट दोहा है. और आगे के भी जो 2-3 दोहे और हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इनका प्रायोजन क्या था, क्यों हमने इसमें डाला. दूसरी बात जो आपने करी कि कितने गाने हैं इस फिल्म में, एक तो ये दोहे हैं और दूसरा एक और गाना है जो हम आज रिलीज कर रहे हैं,
एक पंख की तितली उड़ने चली, आसमां हंसता है, तो वो भी बहुत ही मार्मिक गाना है और उस कैरेक्टर को दर्शाता है। इनफैक्ट हमारे हमारे देश की जितनी बच्चियां हैं, औरतें हैं, उनके मन को दर्शाता है जो उड़ना चाहती हैं पर उनके पास सिर्फ एक पंख है। तो बहुत अच्छा सा गाना है। तो ही आपने कहा है कि मैं लड़ना चाहती हूँ, तो आप किससे लड़ना चाहती है? पुलिस से लड़ना चाहती है या जुडिशरी से लड़ना चाहती है? क्या है, क्या कमियां रही जो इसमें इतना वॉयलेंस और इतना सब कुछ दिखाया गया? टैलेंट देखने से सब टैलेंट देखने से लग रहा है कि केवल मतलब इस तरह का क्रूरता, मतलब क्रूरता कहे, धैर्य कहे, साहस कहे, कुछ भी कहे, जो अब तक आपने दिखाया पुलिस को, वो तो ये क्या है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, बताए आप भी बताओ। पूजा तो बताया किससे लड़ना चाहती है, पुलिस से लड़ना चाहती है या जुडिशरी से लड़ना चाहती है? देखिए मैंने कहा न्याय नहीं मिल रहा। हाँ, मैं पूजा की जगह जवाब दे देता हूँ। ये जो फिल्म है, मैं वापस आपको बताता हूँ कि हमारा मकसद ये नहीं था कि कितना और कैसे अत्याचार होता है, मतलब वो जो क्रूरता की आप बात कर रहे हैं वो हमारा मकसद नहीं है। ऑफकोर्स वो बैकड्रॉप में होता है, नहीं तो आप स्टोरी बिल्डअप नहीं करते। तो इतनी ना तो इसमें कोई गालियां हैं, ना कोई इसमें कोई ऐसे मर्दे सीन्स हैं, ना कुछ है। इनफैक्ट हमने रेप वर्ड का भी यूज नहीं किया। जब भी हम रेप की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं गलत काम। तो हमने ये बहुत सावधानी बरती है और हमने अपना दायरा तय किया था कि इसके अंतर्गत करें। जहां तक पूजा या सिया का जो कैरेक्टर है वो किससे लड़ना चाहता है, वो समाज के उन लोगों से लड़ना चाहती है जो उनको, जो जिससे उनको इंसाफ चाहिए, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो पुलिस हो, और चाहे वो समाज हो जो चारों तरफ से उसको परेशान कर रहा है कि लड़ो मत, तो उनसे लड़ना चाहती है। अब उनका प्रारूप क्या है वो तो हम फिल्म देख के समझ में आएगा, बट ये सारी जो शक्तियां हैं जो अपने पावर का दुरुपयोग करती है उनसे लड़ना। कितनी स्क्रीन रिलीज कर रही है? रिलीज का तो आप बताएंगे। I think we'll start with about 300 screen and depending on how much you guys cover and how it work, we'll keep increasing. आजकल देख रहे हैं छोटे बजट की फिल्में काफी कमाल कर रही है, बॉलीवुड के बायकॉट का सारा चल रहा है। इस माहौल में आपको कैसा लगता है कि किस बजट की आपकी मूवी और क्या एक्सपेक्टेशन है इसको लेकर, कितना आप OTT पे भी आएंगे? देखिए दो सवाल हैं। एक तो जब दृश्यम फिल्म की आप सारी फिल्में देख रहे हैं, चाहे आपको देखी हो मसान हो, न्यूटन हो, धनक हो, या राम प्रसाद की तेरवी हो, या कामयाब हो, हमने हमेशा कम बजट की, इनफैक्ट सही बजट की फिल्में बनाई हैं और ऐसी कहानियां बनाई जो दिल को छूती हैं। हम कभी ओवर बजट नहीं गए, बिकॉज हमारी एक फिलॉसफी है कि फिल्म की पटकथा फिल्म को फेल होनी हो, फिल्म का बजट है वो फेल होता है या पास होता है। तो हमने फिल्म अपने एक सही बजट एक दायरे में रहते हुए बनाई है, और फिल्म को आप छोटी कह लीजिए क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा स्टार नहीं है, बट फिल्म बहुत गहरी है, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम बहुत आराम से कैंडिडली इसको स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि छोटे नंबर ऑफ स्क्रीन से हम स्टार्ट करें और फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बट हमारा ये मानना है कि फिल्म बहुत गहरी और बड़ी है इन टर्म्स ऑफ हार्ट, इट्स अ ब्रेवर्ड फिल्म एंड इट शुड डू गुड as compared to big budget films which have bombed or tanked or jo bhi word aap karna use karna chahe, and it's very important that going forward also we will continue to make such films which are content rich and at right budget so that we continue to make such films. As far as OTT ka question is concerned, of course ek baar jab hum cinema hall se ye film ki journey samapt karenge tab tak hum OTT ki deal karke hum is film ko OTT pe bhi layenge, aisa hamara manna hai. एंड ऑफ द डे सिया जो है वो न्याय पाती है इस मूवी के अंदर? ये बता मुझे इस फिल्म तक कैसे पहुंचे आप, या डायरेक्टर आपके पास पहुंचे या आप डायरेक्टर के पास पहुंचे? तो इस फिल्म के पहले मैं एक सीरीज शूट कर रही थी, उसका नाम बारात है। वो मेरा किसी दौरान से मेरा कैंसिल हुआ और फिर 3 हफ्ते बाद मुझे उस फिल्म के लिए कॉल आया, लेकिन मुझे बताया नहीं गया था कि दृश्यम से है, मनीष मुंद्रा डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया था। मैं गई और सिर्फ मुझे एक वर्ड बोला गया था, शायद जिस कारण से मैं खींच गई थी फिल्म की तरफ, वो ये था, वो एक लाइन मुकेश छाबड़ा के असिस्टेंट ने कॉल किया था,
उन्होंने ये बोला था कि शायद ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो आप जाके अपनी नरेशन सुन लीजिए. तो शायद मुझे लगा कि ऐसा क्या है, तो मैं गई और सर ने नरेट किया. एंड दिस इज हाउ इट स्टार्ट. ऑलराइट, अ बिग थैंक्स टू ऑल द स्टार्स एंड ऑल द मीडिया पार्टनर्स. And thank you so much for taking your time out from your busy schedule and given your glorious presence. Thank you so much.